हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में, यानी कि कैंसर जोडियक साइन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म के समय अगर चंद्रमा कर्क राशि में था तो फिर आपकी जो राशि होगी वो कर्क राशि होगी। लेकिन अगर आपको आपके जन्म की राशि मालूम नहीं है और सिर्फ तारीख मालूम है, तो अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपकी जो राशि होगी, खासतौर पे सूर्य राशि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फॉलो की जाती है, वो कर्क राशि होगी। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के बारे में, ये कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। कर्क राशि का जो स्वामी है वो होता है चंद्रमा, और चूंकि चंद्रमा का जो रोटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, इस वजह से इस राशि के जो भी लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। ये हमेशा जो है तरक्की पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि एम्बिशियस होते हैं। अपने परिवार को ये अच्छे तरह से फॉलो करते हैं और चाहते हैं एक अच्छा माहौल क्रिएट रहे इनके आसपास। इनका जो कार्यस्थल होता है इसमें भी ये जो हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, चीज़ों को नए अंदाज में पेश करना इनको पसंद होता है। इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी गूढ़ होते हैं, गहरे होते हैं, साफ सुथरी छवि होती है इनकी और मिलनसार व्यक्तित्व होता है, क्रिएटिव होते हैं। इसके साथ ही थोड़े से कंजूस भी होते हैं समटाइम्स, इन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं, ये किसी तरह काम चला लेने में यकीन करते हैं। और चूंकि ये एक जलीय राशि है इसलिए जल से संबंधित सारी चीज़ों का इन पे प्रभाव होता है। ये दूसरे राशि के जो लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर इनको देखा जाए तो ये काफ़ी सुंदर दिखेंगे, गोरे दिखेंगे, चमकदार दिखेंगे। हालांकि एक उम्र के बाद इनके शरीर में जो है वो वेट गेन होता है, और इनको जो है वो अगर कहें तो जो वाटर से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं वो हो सकते हैं। इनको खास तौर पे अपच हो सकता है, गैस हो सकता है, लीवर और आंत से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, माइग्रेन हो सकता है, कफ कोल्ड जैसी समस्याएं इनको हो सकती हैं। पाचन शक्ति चूंकि इनकी थोड़ी कमज़ोर होती है इसलिए खास तौर पे इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनमें कुछ स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, फिलोसफिकल भी हो सकते हैं, और इसके साथ ही कुछ लोगों में पागलपन के भी लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, इनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। आप जो हैं वो स्वभाव से बहुत ही घरेलू भी हो सकते हैं, इमोशनल दयालु किस्म के हो सकते हैं, भावुक कोमल और रोमांटिक होते हैं। दूसरी तरफ आप थोड़े हठी भी हो सकते हैं, जी हाँ, और आपको ख़ास तौर पे ये देखना है कि आपके लाइफ में अगर कोई ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया है तो आप उसे जल्दी भुला नहीं सकते हैं, आप किसी की गलती को कभी नहीं भूलते हैं। कर्क राशि के जो लोग होते हैं कि शारीरिक बनावट थोड़ी गोल किस्म की होती है और 30, 35, 40 तक आते आते थोड़ी उम्र दराज भी दिखते हैं। ये लोग जो होते हैं वो भाग्य के मामले में उतने भाग्यशाली नहीं होते, इन्हें अपने लाइफ में अप्स डाउन्स देखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि इनकी जो जीवन शैली होती है उसमें पूरी स्थिरता नहीं होती है, ये बार बार जॉब चेंज कर सकते हैं, ये अपने विचारों पर भी स्थिर नहीं रहते हैं, अच्छी आदतें और खराब आदतें, इन दोनों ही आदतों के तरफ ये फौरन ही आकर्षित हो सकते हैं। ये जो भी काम करते हैं उसको स्टार्टिंग तो वो बहुत जोश से करते हैं लेकिन थोड़ी देर में इससे उब जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इस तरह से जो कर्क राशि के लोग हैं उनका जो काम है वो थोड़ा मौसमी ही हो तो अच्छा है। इनका काम जो है वो ऐसा हो जिसमें मूवमेंट हो, गतिशील हो, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि के लोग जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मतलब काम को जब शुरू करेंगे तो उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करेंगे, कल्पनाओं में रहेंगे और खुद को सबसे काबिल समझेंगे, लेकिन जैसे ही इनको रियलिटी से सामना होगा तो ये पाएंगे कि इनके जो सपनों के महल थे वो बिखर गए। इन लोगों के जो नेचर की बात की तो थोड़ा सा उतावलापन भी होता है, हमेशा किसी काम को जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि के अगर स्त्रियों की बात की जाए तो ये बहुत खूबसूरत होती हैं, आकर्षक होती हैं, इसलिए हर कोई इनसे दोस्ती करने के लिए बेताब होता है।
नम्र होती हैं और प्रगतिशील स्वभाव मतलब प्रोग्रेसिव नेचर होता है इनका। लेकिन इसके साथ ही ये सभी पर विश्वास भी करती हैं और इसलिए अपने लाइफ टाइम में इन्हें कई बार धोखा खाना होता है। तो अब कर्क राशि की कुछ खास और बातें आपको बताऊं कि इसके जो स्वामी हैं वो चंद्र हैं, इनका जो गुणधर्म है वो चर है, इनका जो तत्व है वो जल है, इनकी दिशा उत्तर है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो केकड़ा है। कर्क राशि के जो लोग हैं उनको टूरिज्म बहुत पसंद होता है, घूमना फिरना, मूवमेंट, गीत संगीत, म्यूजिक, ये बहुत अच्छा लगता है इनको। कर्क राशि के जो लोग हैं उनको लिक्विड से संबंधित व्यवसायों में भी फायदा होता है, जैसे अगर वो मिनरल वाटर, डेयरी, फलों के जूस, इन सब का भी अगर वो व्यापार करते हैं, इन सब का अगर बिजनेस करते हैं तो उनको फायदा होता है। इसके साथ ही कर्क राशि के जो लोग हैं वो जनरली कोई अच्छे पोएट भी हो सकते हैं। कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो प्रबंधन में अच्छे होते हैं, न्याय करने में अच्छे होते हैं, ये जनरल स्टोर्स खोल सकते हैं, जो लेडीज मेकअप के सामान होते हैं उनके स्टोर्स भी खोल सकते हैं, जेम्स का व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि ये लोग जो हैं वो थोड़े आलसी होते हैं। कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनके लिए मीन राशि और वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। इसके साथ ही कन्या राशि वाले लोगों के साथ भी अच्छे संबंध हो सकते हैं। इनके लिए जो शुभ अंक है वो 2 और 7 है। इनके लिए जो शुभ रंग है वो सफ़ेद, क्रीम कलर और हल्का नीला कलर। इनके लिए जो शुभ दिन है वो है सोमवार और इनके लिए जो शुभ रत्न है वो है मोती। तो फाइनली कर्क राशि के लोगों के लिए इतना ही कहूँगा कि दोस्तों अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें तो आप हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो आप अपने मेमोरी का अच्छा इस्तेमाल करते हुए हर तरफ हर फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।